जय भैरव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो विंटर आ गई है और बच्चों को तो डेजर्ट पसंद ही होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना चॉकलेट डेजर्ट बनाया जाए। तो आज मेरे बेटी का भी बर्थडे है तो मैं ये बनाऊंगी, तो जो बनाऊंगी आपके साथ वही शेयर करूंगी। तो मैं बनाऊंगी चॉकलेट डेजर्ट और ये तो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है और स्पेशली मेरे बच्चों को तो चॉकलेट बेहद ही पसंद है और मुझे भी। तो आज जो बनाऊंगी वही आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए और रेसिपी भी। तो गाइस यहाँ पर मैंने लिया है अमूल का फ्रेश क्रीम और ये बहुत ही अच्छा होता है, अमूल का सभी प्रोडक्ट अच्छा होता है। और यहाँ पर मैंने लिया है मेलो का रॉयल जो डार्क चॉकलेट है वो, और ये चिक्की कोको पाउडर और वेनिला एसेंस, तो इससे अच्छा सा एक स्मेल आएगा तो इसलिए। और मैंने लिया है लिक्विड मिल्क, तो कोई भी आप काउ का मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हो जो भी मिले आपको। और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है गाढ़ा करने के लिए, तो आगे आगे देखिए। तो ये है बिस्किट और आप मिल्क का बिस्किट लेना, तो मैंने पतंजलि का मिल्क जो बिस्किट है वो लिया है। तो आप कोई भी मिल्क जो बिस्किट है वो ले सकते हो, पर मैं कहूँगी पतंजलि का जो बिस्किट है मिल्क का वो बहुत ही अच्छा होता है और इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है। तो देखिए मैंने जो बटर है इसे दे दिया है, तो मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। पहला स्टेप हो गया है तो सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो कॉर्नफ्लोर घोलूँगी, तो इसके लिए चाहिए मुझे कटोरी, तो इसमें मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। तो अभी पानी से मैं इसे घोल रही हूँ। तो इसके साथ मैं फ्रेश क्रीम दूँगी, तो यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ले लिया है, तो अभी अच्छे से इसे फेंटेंगे। तो अभी थर्ड स्टेप पे चलते हैं। तो मैंने जो पैन है इसमें दूध डाल दिया था पहले से ही, तो देखिए मैंने 2 टीस्पून कोको पाउडर ऐड किया है, तो इसे अच्छे से हमें विस्कर से फेंटना है। ऐसे करने से लम्स नहीं पड़ेगा और देखिए मैं अच्छे से इसे फेंट रही हूँ। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी जो क्रीम और कोको पाउडर है जो मैंने पहले से ही घुल कर रखा था वो, तो देख लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ, तो इस तरह से आप करना, तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके डालना और मिक्स करते रहना। तो अगर ये गाढ़ा ना हो तो आप थोड़ा और क्रीम या जो कॉर्नफ्लोर है वो डाल सकते हो। तो अभी मैं डालूँगी जो ग्रेटेड किया हुआ चॉकलेट वो, तो आप ग्रेट करके दे सकते हो और पीसेस में भी आप दे सकते हो, तो मैंने जल्दी होने के लिए ऐसा किया है। तो देखिए चॉकलेट धीरे से गाढ़ा हो रहा है। तो अभी मैं शुगर ऐड करूँगी, तो शुगर आप देख लीजिएगा आपको कितना मीठा पसंद है इस हिसाब से दीजिएगा, क्योंकि चॉकलेट भी रहेगा इसमें, और इसलिए तो मैंने थोड़ा सा ही जो शुगर है वो ऐड किया है। तो देखिए ये गाढ़ा हो गया है, तो मैंने चेक कर लिया। तो लास्ट में मैं वेनिला एसेंस जो है वो डालूंगी और इसे दे के मिलाऊँगी और फिर थोड़ी देर के बाद लिड को बंद कर दूँगी। तो देखिए इसका कंसिस्टेंसी देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए, तो बाद में तो वो ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए गाढ़ा हो गया है, अभी मैं सर्व करूँगी। तो इसके लिए मैं पहले बिस्किट ले लेती हूँ, तो देख लीजिए क्या क्या करती हूँ। आप लोगों ने पहले देखा ही होगा किस तरह से मैंने बिस्किट को तैयार किया है, तो अभी मैं इसको सेट करूँगी इस बर्तन में और फिर इसके ऊपर मैं चॉकलेट डालूँगी, तो आप लोग देखते रहिए। तो आप लोगों ने देखा ही होगा डेजर्ट बनाना कितना आसान है, और जो चॉकलेट है उसका जो डिज़ाइन है वो अपने ऊपर निर्भर करता है, जो जितना अच्छा डेकोरेट कर पाएगा वही। तो मैं देखिए कैसे करती हूँ, और मैं जानती हूँ इतना भी अच्छा नहीं हुआ है पर फिर भी। तो अभी चॉकलेट डाल के फिर आप इसके ऊपर बिस्किट डाल सकते हो और फिर इसके ऊपर चॉकलेट, तो मैं ज़्यादा लेयर नहीं दूंगी। और देखिए कैसे मैंने डेकोरेट किया है, तो ये चिकी है तो चिकी से मैं
डेकोरेट कर लूंगी। और ये सब देखकर मेरे सोना और बाबू का तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और मेरे घर में और भी एक बच्चा है, मेरे पति, वो तो चॉकलेट और जो डेजर्ट है वो छोड़ते ही नहीं है। तो वही बात है, तो अभी तो ये पेट में जाएगी सोना और बाबू का, जो दो आप देख पा रही है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही ले आ दिया है, क्योंकि ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सुबह से ही स्वीट्स खा रही है और चॉकलेट भी, तो रात को और भी खाना है तो वो खाएगी। तो वही तो अभी सोना बताएगी। तो गाइस, मम्मी ने ये विंटर डिजर्ट बनाया है, तो अब मैं खा के बोलूंगी कैसा था। इतना टेस्टी हुआ है, आप लोग इस वीडियो को स्किप किए बिना जरूर देखिएगा, इतना टेस्टी हुआ है। ओह माय गॉड, क्या बोलूं। और आप लोग इसे घर में जरूर बनाएगा, खाने में बहुत टेस्टी है। मेरा फेवरेट है। तो मेरा फेवरेट है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कितना इजी है ये घर में बनाना, तो मैंने बहुत बार इसे बना चुकी हूँ। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है गाइस, आप घर में इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरे ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मेरी नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।